नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद गोंडा पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहार ईद व अक्षय तृतीया को सकुशल संपन्न कराने हेतु भारी पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में किया पैदल गश्त, आम जनमानस को कराया सुरक्षा का एहसास। यूपी ब्रेकिंग न्यूज से शिवा वर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद गोंडा में कल होने वाले ईद त्योहार के दौरान पढ़े जाने वाले नमाज के दृष्टिगत एवं सुरक्षा के दृष्टिगत फुट पेट्रोलिंग पैदल गश्त का कार्यक्रम यहां पे किया गया। हमारे द्वारा, डीएम साहब के द्वारा एवं समस्त टीम, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ सिटी साहब, अन्य ऑफिसर्स और भारी संख्या में जो फोर्स थी, पूरे शहर क्षेत्र में हमने राउंड मारा है। लोगों से वार्ता करके उनको भरोसा दिलाया है कि कल होने वाला ईद का त्यौहार जनपद गोंडा में सकुशल संपन्न कराया जाएगा और इसी तरह पूरे जनपद में हमारी बाकी जो टीम है, एडीएम साहब, एएसपी साहब और बाकी सीओ और थानाध्यक्ष, अपने अपने क्षेत्र में राउंड मार के लोगों से संवाद कायम करके ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि जनपद गोंडा में कल त्यौहार के दृष्टिगत सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया जाए। सर, जो शांति कमेटी की मीटिंग हुई उसमें क्या तय हुआ कि सड़क से नमाज नहीं होगी? शासन के निर्देशानुसार हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उन्होंने सभी ने अपील किया है कि कल होने वाले ईद के त्यौहार के दौरान पढ़े जाने वाली नमाज, चाहे ईदगाह में हो, मस्जिद में हो, क्षमता के अनुसार लोग उस प्रांगण के अंदर ही नमाज को सकुशल अदा करें। अगर वो प्रांगण भर जाता है तो लोग दूसरे मस्जिदों में जाके नमाज को पढ़े, लेकिन किसी भी तरीके से सड़कों पे आके इस चीज कार्य को ना करें। हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उन्होंने अपील भी किया है, हमने सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि से उस अपील को जारी भी किया है और आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करते हैं कि शासन के निर्देश कि प्रांगण के बाहर आकर सड़कों पर नमाज को अदा न करें, इस अपील के साथ में लोगों को ईद की मुबारकबाद भी देंगे एवं शासन के दिशा निर्देश के अनुसार ईद त्यौहार को सभी लोग संपन्न कराने में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करेंगे।